हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो ब्लॉगिंग सीरीज का पार्ट टू वीडियो आज मैं लेकर के आया हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैटेगरी मेन्यू कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं इसका पार्ट टू वीडियो है जो कि आपको यहाँ पे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है आपको। तो ब्लॉगिंग सीरीज के पार्ट टू वीडियो आ चुकी है दोस्तों। आप लोग अगर वेट कर रहे हो तो मेन्यू कैसे बनाते हैं, कैटेगरी कैसे बनाते हैं, अगर आप लोगों को नहीं आती है बनाना तो आप लोग हमें यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो को कैसे बनाते हैं, बन जाएगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का वेबसाइट बनवानी है तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि आज आपको यहाँ पे कैसे, यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आप लोग मेन्यू और कैटेगरी बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर मेन्यू बनाने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग हमें यहाँ पे कॉल, यहाँ पे जो है कि किसी भी प्रकार के हेल्प चाहिए तो कॉल ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप लोग यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कैटेगरी में आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक कोई भी कैटेगरी क्लिक यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई कैटेगरी चूज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कृषि, के आर आई एस ए, तो कृषि इन हिंदी, एक ए मेरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड कैटेगरी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है मान लीजिए हमको लिखना है लेटेस्ट जॉब, ठीक है, यहाँ पे ऐड कैटेगरी कर देंगे। हमें लिखना है सरकारी, नहीं गवर्नमेंट न्यूज, गवर्नमेंट GOVR, GOVN, गवर्नमेंट न्यूज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड टू कैटेगरी कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप SEO भी कर सकते हैं, इस कैटेगरी से रिलेटेड आप लोग कर सकते हो डिस्क्रिप्शन लिखे। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं जो है कि यहाँ पे लिखते हैं कुछ अदर्स, मान लीजिए हमको कुछ अलग चीज़ डालना है तो यहाँ पे अदर्स में क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक होम का सेक्शन दे देते हैं, नहीं होम का सेक्शन यहाँ पे नहीं देते, होम का सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूज़ का एक सेक्शन बना सकते हैं, या फिर आप कुछ भी सेक्शन, आपको यहाँ पे जो भी एक्यूरेट लगे वो बना लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली आपको बताऊँगा, बहुत ही आसान वे है, यहाँ पे आपको देखने बहुत ही अच्छा आसान वे में आपको बताने वाला हूँ। तो कैटेगरी बन गई है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कुछ और अगर आप लोग यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेरे यहाँ पे फिर अप्लाई कर देंगे सिंपली जब बन जाए तो, ठीक है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि कैटेगरी आई है कि नहीं। तो दोस्तों, अभी तो आई नहीं होगी, क्यों नहीं आई है मैं बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो है ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे पोस्ट नहीं लिखे तो मैं एडिट करूँगा पोस्ट को, और यहाँ पे ये पोस्ट को मैं फिर यहाँ पे सभी जो यहाँ पे है ना, एक सेकेंड रुकना आप लोग दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुरंत। यहाँ पे नेट स्लो हो गई, इधर 2 बज रहे हैं, 2:23 हो रहे हैं फिर भी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे सभी कैटेगरी को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। चार बनाया था, चार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोग पोस्ट लिखना चाहो तो लिख लेना, उससे आपको कोई दिक्कत होने वाले नहीं है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको होने देते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, कैटेगरी आ गई है, ठीक है। अब मेन्यू बनाने बताते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली अपीयरेंस पे क्लिक करना है, मेन्यू पे क्लिक करना है। तो सिंपली एक नाम दे देते हैं यहाँ पे होम, होम का नाम दे देते हैं। उसके बाद क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कस्टम लिंक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जो है इनका जो URL होगा ना, इनको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है,
और यहाँ पे देखो मान लीजिए इसको यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है एड मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन है प्राइमरी मेन्यू में हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेव करते हैं पहले एक देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको देखते हैं क्या आई होगी। देखिए गवर्नमेंट न्यूज आ गई ना, उसके बाद हम चाहते हैं एक एड मेन्यू पे, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और होम एक होम का सेक्शन हो, मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ होम का सेक्शन एक। ठीक है, और इसको ऊपर में रखना चाहते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद चाहते हैं कि एक जो ए मेन्यू है यहाँ पे कृषि इन हिंदी, तो कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसका जो लिंक होगा ना वो कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बहुत आसान है दोस्तों बनाना। ठीक है, मैं इसको बना के बता रहा हूँ। उसके बाद फिर से उसी तरह करेंगे लेटेस्ट जॉब का, यहाँ पे पहले नीचे और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब है ना उसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे हो गया, देख सकते हो। उसके बाद फिर से यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और दोस्तों यहाँ पे देख लो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, एड मेन्यू हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे सेक्शन जो है इतना सारा बन गया है। ठीक है, आप जो अन कैटेगरी है इसको आप लोग नहीं रखना, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये अभी सेलेक्ट हो गया गलती से। ठीक है, आपको यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक कर लेना है लास्ट में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेन्यू बनाना आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, देख लो आप लोग कितना अच्छा मेन्यू बन गया है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अगर मेन्यू का जो लुक है वो चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा नहीं करना, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताऊँगा पेज कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपको पेज बनाना भी बता देता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो मैं यहाँ पे पेजेज बनाने बता देता हूँ। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं सबसे अच्छा पहले, उसके बाद दोस्तों ये मेरा हम लोग का नंबर नहीं है, इस पे कॉल आप लोग मत करना। और यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, एड न्यू पे क्लिक करते हैं पेज में। और यहाँ पे दोस्तों एक जो वेब विस्ट भाई का जो यहाँ पे टूल्स है उससे हम लोग कीजिए करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे हाँ ये देख लो वेब विस्ट, यहाँ पे मैं बहुत सारा यहाँ पे पेज बनाया हूँ, तो दोस्तों यहाँ से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइट का नेम यहाँ पे पूछ रहा था, तो सॉरी मैं यहाँ पे साइट का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे फुल नाम और एक ईमेल जो भी मेरा ही ईमेल है, और यहाँ पे एक मिनट यहाँ कुछ लिखते हैं कि लेटेस्ट जानकारी सिर्फ लिख देते हैं जानकारी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरा सब कुछ यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आ गई। अब आप लोग यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे और इसमें यहाँ से जो है ना एक कॉपी टेक्स्ट होगा ना उसको कॉपी टेक्स्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए व्यूअर पे क्लिक करेंगे। देखो आप लोग पूरी एक क्लिक में सब कुछ यहाँ पे बन के रेडी हो गया। आप लोग चाहो तो दोस्तों यहाँ पे इसका SEO भी कर लोगे तो हो जाएगा। आप लोग कर रहे ना उसको पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, एक बन गया। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वह है कॉन्टैक्ट अस का, इसका भी यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्टैक्ट अस का पेज। एड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहीं से कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का जो कॉपी करना है वो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट सॉरी सॉरी दोस्तों एक मिनट, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे
विजुअल पे यहाँ पे देख लो, जस्ट अ सेकेंड वेट, और ए भी बन गया पेज। उसके बाद फिर से एड न्यू करेंगे और अबाउट अस का भी पेज बना लेते हैं। आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसान है इनका, थैंक यू, यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहेंगे वेब बेस्ट भाई का, उनका नाम भूल रहे हैं इसलिए नाम नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे टेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे हो गया। और दोस्तों ये इतना बहुत ही अच्छा लेटेस्ट जानकारी मैं सिर्फ लिख दिया हूँ, उसके लिए अलग बात है। आप लोग कुछ अपने से भी पेज बना सकते हो, अपने से भी लिख सकते हो, और ये जनरेट यहाँ पे कर दे रहा है। उसके बाद एड न्यू पे अगर DMCA का सेक्शन बनाना चाहते हो तो बना लो, वरना छोड़ दो। जो मोस्टली हमारा पेज होता है ना, इतना ही होता है और इससे ज़्यादा पेज हमारा होता नहीं है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट देखो हो गया, ठीक है, अब पब्लिश कर देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं कि यह पेज है जो यहाँ पे आ गई है या नहीं। तो देखो दोस्तों देख सकते हो पेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग का सीरीज वीडियो डालूँ तो आपको पास सबसे पहले पहुँच जाए दोस्तों, और आप लोगों को हेल्प मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाओ। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।